नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल। मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे आपका मोबाइल हैकिंग से बच सकते हैं, लेकिन उसके पहले बताते हैं आपका मोबाइल हैक कैसे होते हैं। फ्रेंड, आपका मोबाइल अगर हैक हो रहा है तो पूरा के पूरा गलती आपका है, आपका जिम्मेदारी बांधते हैं आपका मोबाइल कैसे हैक ना हो पाए। तो आपको जानना चाहिए कैसे आप हैक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड, ये जो छोटा वीडियो है, इसमें मैं पूरा समझाने का कोशिश करूंगा कि जैसे आप हैक होने से बच सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हो क्योंकि मैं शॉर्टकट समझाता हूँ, जो समझदार है वो आसानी से समझ जाएगा। फ्रेंड, मैं जैसे बताया, अगर आपका फोन हैक हो रहा है तो पूरा का पूरा आपका वजह से। जैसे अभी का टाइम पे आप प्ले स्टोर में जाके, फिर नाइन्थ ऐप में जाके, फिर गेट ऐप में जाके, ना जाने कितना सारे ऐप डाउनलोड करते रहते, लेकिन आपको पता है वो जो ऐप है वो 100% प्रोटेक्टेड ऐप है कि नहीं? वो जो ऐप है फ्रेंड, अक्सर वो ज्यादा से ज्यादा परमिशन मांगते रहते। जैसे आपको सामने कोई भी ऐप ओपन करने का साथ साथ आपका कैमरा का अलाउ करना पड़ेगा, फिर आप गैलरी है उसका अलाउ मांगते। जैसे वो ऐप में कोई भी अलाउ का जरूरत नहीं होती, फिर भी आपके पास आपका कैमरा का परमिशन मांग लेते, आपका गैलरी का परमिशन मांग लेते, आपका फोन में जितना भी एक्सेस होता है पूरा के पूरा अलाउ मांग लेते। ये जो अलाउ आप कर देते, हो सकते कोई अच्छा जैसे ट्रस्टेड जो कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब, इसमें तो आप आसानी से कर सकते क्योंकि ये अभी आप ट्रस्ट कर सकते इसके ऊपर। लेकिन आप जितना भी ऐप डाउनलोड करते उसका जितना भी परमिशन मांगते इंस्टॉल करने का टाइम पे, पूरा के पूरा आप अलाउ कर देते। अगर अलाउ नहीं करते तो वो जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको अलाउ करना ही पड़ता है। लेकिन आप अगर वो पूरा के पूरा अलाउ अगर कर देते तो आपका जो मोबाइल है आप खुद ही उसको परमिशन दे रहे हैं आपका मोबाइल दूसरा किसी को यूज करने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो अगर उधर से बैठ के भी आप जब अलाउ दे दिया तो उधर कहाँ पे भी दुनिया का कहाँ पे भी बैठ के आपका कैमरा इस्तेमाल कर सकते, वो देख सकते आप घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर आपका जितना भी फाइल है, मान लीजिए आपका मेमोरी कार्ड में जितना भी फाइल मौजूद है वो भी पूरा के पूरा परमिशन दे दिया तो उधर बैठ के आपका कोई भी सीक्रेट फाइल भी वो चुरा सकते, चुरा के आपको ब्लैकमेल करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं आपसे। तो आप अगर मेरे का बाबा पास सवाल पूछे का फ्रेंड है तो तुम क्या करते है? तुम्हारा कोई फाइल ऐसा होते कि नहीं है, कोई भी अननोन ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करते कि नहीं? फ्रेंड, मैं जरूर करता हूँ, लेकिन मैं सिंपली मेरा मैं जो लॉजिक है वो आपके सामने साथ में भी शेयर करता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे आप बच सकते हैं। जैसे मैं जो फोन यूज करता हूँ उसमें मेरा कोई इंपॉर्टेंट डाटा रखता ही नहीं, कोई भी डाटा इसमें नहीं है। और दूसरा बात है फ्रेंड, इसमें मैं जितना भी एप्लीकेशन है मोबाइल में, जितना भी एप्लीकेशन अभी फिलहाल आ रहा है वो मैं पूरा के पूरा इस्तेमाल करके देख लेता हूँ उसमें क्या है, क्या नुकसान हो सकते क्या नहीं हो सकते, वो पूरा के पूरा मैं खोल के इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरा इसमें कोई भी डाटा नहीं रहते। और मेरा जो नंबर है फ्रेंड, ये मोबाइल में जितना भी मैं मोबाइल नंबर यूज करता हूँ उसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ रिलेटेड भी नहीं है, ऐसा कोई भी जगह पे ये मोबाइल नंबर दिया हुआ नहीं है जो मेरे को थोड़ा बहुत भी नुकसान कोई कर सकते। और फ्रेंड, मैं दूसरा नंबर पे जो है मेरा दूसरा मोबाइल पे, उसमें बैंक अकाउंट रिलेटेड है जितना भी फाइल है उसमें रखता हूँ, जो उसमें कोई भी एप्लीकेशन मैं डाउनलोड ही नहीं करते। मेरे को पता है फ्रेंड, आप एग्जाम्पल मांगोगे जो कैसे ऐसे कर लेते। फ्रेंड, अब मान लीजिए आप नेट में जाके, आप गूगल में जाके कोई भी सर्च कीजिए कुछ भी, जैसे आपको रेड टी शर्ट चाहिए तो रेड टी शर्ट लिख के सर्च कीजिए, अगले दिन आपको ऐड आ जाएगा आपका फोन में एसएमएस के द्वारा, जो आपको दूसरा कोई भी रेड टी शर्ट है उसका एडवर्टाइज आपको फोन पे भेजते रहेगा। फ्रेंड, ऐसे करते कैसे? जैसे आप कहाँ पे भी हो, अभी का जो डिजिटल एज है, कहाँ पे भी आप रहोगे ना तो आपको वो आपको लोकेशन टेस्ट कर सकते, आपको ट्रेस्ट कर सकते। तो उसके लिए अभी का टाइम पे फ्रेंड, आप तो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन पे फिंगरप्रिंट भी लगा के रखते, आपका पैटर्न भी लगा सकते, फिर पासवर्ड भी लगा सकते। लेकिन फ्रेंड, उसका अंदर जो है, मैं साथ एक बात बताऊं, जो आपको सामने आपका मोबाइल में आपका नेट में जितना भी चीज दिखाई देते वो आपका फोन में, फिर आपका नेट में जितना भी चीज है ना उसका 1% भी नहीं है जो आप देखते आप यूज करते। तो आप मान लीजिए कोई भी हैकर्स आसानी से अभी का टाइम पे आपका फोन हैक कर सकते हैं। और इंडिया में इतना ज्यादा हैकिंग हो रहा है, जो अगर हैक भी करेगा तो इतना आसानी से कोई टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे बुरा मत मानना, फोन तो स्मार्ट हो गया, लेकिन वही डायलॉग में दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जैसे फोन तो स्मार्ट है लेकिन जो यूज करते वो स्टूपिड है।
तो इसलिए आप अगर कोई भी एप्लीकेशन में, सावधानी से आपको बोल रहा हूँ, वो एप्लीकेशन में वो अलाउ नहीं करना जो आपका नुकसान हो सकता है। आप वो जान भी नहीं सकते जो कौन सा एप्लीकेशन का द्वारा आपको हैकिंग किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी का टाइम पे जो हैकिंग हो रहा है फ्रेंड, वो एप्लीकेशन का द्वारा। अब दोस्तों एक वायरस भी आता है फ्रेंड, जैसे वायरस का द्वारा भी आपको हैक कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी ऑफर आ गया सामने, जैसे ऐसे भी हो सकते हैं, कोई भी लैपटॉप है मान लीजिए 40,000 का लैपटॉप है, मिनिमम रेट में ही बता रहा हूँ, 40,000 का लैपटॉप है आपका सामने, ऐसा ऑफर दिया जाएगा जो 40,000 का लैपटॉप है आप अगर आज खरीदोगे तो ये सिर्फ आपको 10,000 रुपये में दिया जाएगा। तो आदमी क्या करेगा, सिंपली वो क्लिक करके देखेगा जे इसमें क्या है, सच है कि झूठ है, झूठ है तो नहीं लूंगा, आदमी इतना तक ही सोचते। लेकिन फ्रेंड उसके ऊपर क्लिक करने का साथ साथ आपका फोन हैक हो जाते, यह ज़्यादातर आदमी का पता नहीं है। तो मैं सोचा ये अगर आपको तक पहुँच जाएगा तो आप ये जो हैकिंग है ऐसे बच सकते हैं। जैसे 40,000 रुपए का सिर्फ कभी भी 10,000 रुपए में नहीं मिलने वाला है, ये पहले तो दिमाग में घुसाना पड़ेगा। ये जो आपको जो प्रॉब्लम दिया जाते फ्रेंड, आपको जो ऑफर का जो सिस्टम है ये इससे बच के रहेंगे। अब दूसरा जो सिस्टम है फ्रेंड, आपको ईमेल आईडी का द्वारा ज़्यादातर हैकिंग किया जाता है। जैसे आपको कोई भी मैसेज भेजा, मान लीजिए व्हाट्सएप में कोई भी अननोन मैसेज आ गया, जो इसमें क्लिक कीजिए और देख लीजिए क्या होते रहे आपके सामने, ऐसे कोई भी ऑफर आपके सामने देते रहे, तो आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद और फ्रेंड वो क्लिक करने के साथ आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप टच करोगे तो भी वो आपका आईडी को, आपका फ़ोन को पूरा का पूरा हैक कर सकते, आपको ब्लैकमेल भी कर सकते। ये तो गया फ्रेंड। और ईमेल आईडी से कैसे आप बच सकते, जैसे ईमेल आईडी का द्वारा आपको अगर हैक किया जाता है तो आप आसानी से बच सकते, लेकिन उसमें आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा, दो पासवर्ड लगाना पड़ेगा। एक तो आप जैसे पासवर्ड लगाते जो भी नंबर है आपका वगैरह, तो वो नंबर लगाइए। आप दोस्तों से वेरिफिकेशन आते हैं फ्रेंड, वो आप फोन का द्वारा कर सकते हैं। जैसे कोई भी हैक करना चाहेगा तो पहले आपका मोबाइल से परमिशन देना पड़ेगा आपका नंबर से, तब जाके वो हैक कर पाएगा। तो ऐसे कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो उसके ऊपर वीडियो बना के रखा, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना उधर जाके। और तीसरा जो फ्रेंड अभी का टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो है फ्रेंड, अभी का टाइम पे आदमी ज्यादातर सर्च करते कैसे ऑनलाइन से पैसा इनकम कर सकते। तो ऐसे हजारों वेबसाइट है, हजारों नहीं लाखों वेबसाइट है जिसमें दिया जाते हैं जो आप एक घंटा में 500 रुपया कमा सकते, एक घंटा में 1500 रुपया कमा सकते, महीने में 1,00,000 रुपया कमा सकते। ऐसे हजारों लाखों वेबसाइट है जिसको आपको टेस्ट करने के लिए वो बैठा है। पहले देखेगा आपका लॉगिन करने का साथ साथ आपको बताएगा जो आपका अकाउंट में $5 आ गया, $10 आ गया, ऐसा बताएगा। लेकिन ये कोई सिस्टम ही नहीं है फ्रेंड, ये सिस्टम ऐसा है जो आपका जो डाटा है, आपका जितना भी डाटा है, जैसे आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड, फिर आपका ईमेल आईडी, आपका वोटर आईडी, फिर आपका आधार कार्ड का जो नंबर है फ्रेंड, वो टाइप करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली ले लेते। अभी के टाइम पे फ्रेंड यूट्यूब में हजारों वीडियो ऐसा है, आप देख सकते हो, वो लोग भी स्टूपिड है जो दूसरों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज बताना नहीं चाहिए, तो वो लोगों को वो भी परख करके नहीं देखते। ये जो वेबसाइट है जिससे इनकम हो रहा है, इनकम का बात आदमी को बता रहे, ये 100% गारंटेड जेन्युइन है कि नहीं, वो चेक भी नहीं करते, सिर्फ पैसा इनकम करने के लिए कोई भी वीडियो बना देते। और वो फ्रेंड वो वीडियो देख के हजारों लाखों आदमी वो इनकम का चक्कर में फंस जाता है और उसका पूरा का पूरा डाटा दे देते। ऐसा वीडियो अक्सर आपके पास आया भी होगा जो आपको लॉटरी लगा है, 20-25 लाख का रुपया का लॉटरी लगा है, तो आप हमारे साथ यह किया फ्रेंड। पहले तो बात आते, ऐसा फोन अक्सर आपका पास, आपका फ्रेंड का पास आया ही होगा, आप सुना भी होगा जो ऐसे लॉटरी का बात आता है 20-25 लाख रुपया का, जो आपको आपका डिटेल्स देने के लिए बोल रहे हैं। ये बात तो ठीक है, बाद में आपको बैंक अकाउंट से पैसा चुरा के ले जाएगा, लेकिन पहले तो बात यही आती है जो वो जो डिटेल्स, आपका जो डिटेल्स है, जो आदमी आपको फोन किया है वो नंबर उसके पास कैसे गया फ्रेंड? ऐसे ही गया, ना तो आप एप्लीकेशन यूज किया, ना तो आप कोई भी वेबसाइट में जाकर आपका डिटेल्स खुद डाल दिया, ऐसा कुछ भी गलती आप किया, इसलिए आपका डाटा उसके तक पहुंच गया और आपका पास में वो फोन आ रहा है। तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है वो हैकर कभी भी आपको ऐसे दोस्तों एक आइडिया के बारे में मैं आपको बताते हैं। जैसे डार्क वेब नाम पे एक चीज होता है, जो आप अगर डाटा कोई भी गलती नहीं भी करोगे तो भी आपको हैक कर सकते, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। ऐसा अगर पढ़ने जाते ना कोई तो भी पकड़े जाते, ऐसा नहीं कर सकते आदमी, तो तब नहीं पकड़े जाते जब आप खुशी खुशी में अलाउ कर देते। तो डार्क वेब का द्वारा आपका जब हैकिंग करने जाएगा तो
आप मामूली जैसे आदमी कोई हक नहीं करते, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस के रहना, आप बोलते मत करना एप्लीकेशन से, फिर आपका ईमेल आईडी से, फिर कोई भी वेबसाइट से, तो आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड मैं जैसा बोला, आप अगर सावधानी बरकर रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले तो दूसरा वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा। तो तब तक अच्छा रहना, नमस्कार।